हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लखा डिफेंस कैरियर। दोस्तों, INSL का में इंडिया नेवी डबल SSR कैंडिडेट के ज्वाइनिंग शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक कैंडिडेट ने INSL का में ज्वाइनिंग के लिए गए थे, उनका साथ मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने सारे कुछ बताया कि वहाँ पर कैसे क्वारंटाइन होगा और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में कैसे बच्चा ऐड हो रहे है ना, और जो आर्टिफिशियल टेस्ट की रिपोर्ट हो वो भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे। उनके साथ मेरी बातचीत हुई तो इस वीडियो पर हम सारे चीज़ें पर बात करेंगे कि कैसे क्या वहाँ पर हो रहा है ज्वाइनिंग। तो इस वीडियो पर हम सारे बात करेंगे, तो डेफिनेटली वीडियो का अंत तक बने रही और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि जेन्युइन ऑथेंटिक वीडियो सबसे पहले देने के लिए है ना। तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपके नेवी डबल SSR कैंडिडेट की ज्वाइनिंग शुरू हो चुका है INSL का पर, तो आपके पहले 14 डे की क्वारंटीन होगा है ना। आपकी जो मेडिकल से पहले 14 डे की क्वारंटीन होगा और उसके बाद आपकी मेडिकल होगा। तो वहीं आपकी आर्टिफिशियल टेस्ट रिपोर्ट कंपलसरी होना चाहिए है ना। आपकी जो RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट वो वाला नहीं चलेगा। वहीं एक कैंडिडेट ने बोल रहे थे कि उनका बैच में 30 कैंडिडेट आज रिपोर्टिंग की थी, तो वहीं से 7 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हुए, तो आप वो इस चीज़ पर फोकस कीजिए। तो वहीं आपकी बात करूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो वीडियो या फिर जो प्रधान सेवक है ग्राम के वहाँ से आप उनका सिग्नेचर होगा तो चल जाएगा है ना। तो वहीं आपकी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की बात करूँ तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है आपकी जो नज़दीकी थाना है वहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अदर कहाँ पर रहते हो तो वहाँ पर थाना के चलेगा, ऐसा नहीं। आपको जहाँ पर रहते हो उस थाने का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो वहीं आपके मोबाइल अलाउ नहीं है, 10 डे क्वारंटीन जो होगा INSL का में उस दौरान आपको मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा। इनके बाद आपको मोबाइल अलाउ किया जा सकता है, लेकिन क्वारंटीन के दौरान आपको मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही। तो वहीं आपकी RAT नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट आ रहा था INSL का से, जो कि कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग के लिए गए अभी उनके साथ मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कुछ बता रहे थे है ना। तो आप इन सारे चीज़ पर फोकस कीजिए। 7 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आउट हुए, तो इन चीज़ों पर आप फोकस कीजिए है ना। तो वीडियो आपको कैसे लगा डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो पर इतना ही। अब रुकते, जय हिंद जय भारत।